आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पहलवानों का समर्थन करके एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है। पिछले दिनों किसान के तीन कृषि कानूनों के विरोध में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होकर नया रास्ता चुन लिया था। इसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ कई बार आंदोलन और धरनों में शामिल हुए। वहीं राजस्थान में हुए कई उपचुनावों में भी उनकी पार्टी ने भाग नहीं लिया। इसके बाद राजस्थान में हुए कई उपचुनावों में उनकी पार्टी ने भाग भी लिया, जहां उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। अब हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर पहलवानों के बहाने बीजेपी को घेरने का बड़ा मुद्दा बना लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने जो किया है, उसके बाद से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका असर नजर आएगा। आखिर पहलवानों को हनुमान बेनीवाल का साथ क्यों मिला, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? उन्होंने खिलाड़ियों के बहाने एक बार हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के उन खिलाड़ियों और युवाओं के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। आएगा और हमसे कोई टक्कर लेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। यह मैं निवेदन करने आज आपके बीच में, आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दो दिन पहले मैंने समर्थन दे दिया था जैसे आपका टेलीफोन आया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं। मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप तो सोशल मीडिया देखे साहब, मैंने कहा मैं तो सोशल मीडिया में दूंगा और जब मुझे लगेगा कि मेरी आवश्यकता मेरे छोटे भाई बहनों को, उस समय हनुमान बेनीवाल आएगा। और अब दोबारा जब आएगा तो पूरी फौज के साथ आएगा, आप चिंता नहीं करें। प्रधानमंत्री जी को भी मैं जानता हूँ, गृह मंत्री जी को भी जानता हूँ कि हमसे ज्यादा लंबी लड़ाई ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। इस विश्वास को आज आपके बीच शेयर करने के लिए आया हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है कि बुधवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा दिए जा रहे धरने में सम्मिलित हुए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांग के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अब उन्होंने आगे का प्लान भी बता दिया है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्यों से आह्वान है। इसी के चलते उन्होंने आगे का प्लान भी ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के सदस्यों से आह्वान किया कि 27 अप्रैल को गुरुवार को राजस्थान में सभी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। हनुमान बेनीवाल इसी बहाने राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने के प्रयास में जुटे हैं।